नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। अकलतरा में 50,000 की लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से लूट की रकम और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। बता दें कि आरोपी फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली करने के मामले में पहले ही जेल जा चुका है। राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर दौरे पर आ रही हैं। उनके कार्यक्रम और स्वागत में कोई कोर कसर जरा सी भी गुंजाइश न रहे, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि आज प्रभारी मंत्री ने बस्तर संभाग के सभी विधायकों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तैयारियों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। लालबाग मैदान में उनकी सभा संभावित है, जहाँ वे बस्तर की नारी शक्ति से रूबरू होंगी और उनके द्वारा समूह स्तर पर किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस अवसर पर कुछ महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किए जाने की संभावना है। देखिए, मुख्य अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न होगा। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जाके हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी को निमंत्रण किया, वो भी बस्तर में पहला बार। उनके खानदान तो बहुत बार आया, पंडित लाल नेहरू भी आया है, इंदिरा गांधी भी आया है। जगदलपुर में एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल अपने परिचित के पास छोड़ी थी, जहां किसी अज्ञात चोर ने गाड़ी चोरी कर ली, जिसके बाद युवक ने अज्ञात चोर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा कर दर्ज कराई इसकी शिकायत, जिसके बाद जांच करने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जगदलपुर में डेंगू के बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्ट्रेट के निर्देश पर नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम घर घर जाकर सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रही है। साथ ही साथ डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए नगर निगम टेमीफोस लिक्विड का छिड़काव कर रही है। वहीं सोर्स रिडक्शन कार्य का जायजा लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संतोषी वार्ड, कुम्हार पारा और महारानी वार्ड का निरीक्षण कर नगर निगम के कर्मचारी और मितानिनों को उनके कार्य के बारे में फिर से जानकारी दी। साथ ही सोर्स रिडक्शन के महत्व और तरीकों के बारे में बताया गया। जगदलपुर में प्रभारी मंत्री, संसदीय सचिव, विधायक ने पूज्य गुरुदेव अवंती तीर्थोद्वारक खरह छक्तपादी आचार्य प्रवर श्री जिन्म मणिश्वर भूरीश्वर जी के दर्शन पर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकार गढ़ बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मिथिला समाज और जगदलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं थाना प्रभारी ने भी गुरुवर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। जगदलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो सटोरियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सट्टा पर्ची लिखकर रुपए पैसे के हार जीत का दांव लगाकर जुआ खिलाते पकड़े गए। इसके पास से नकदी सहित सट्टा पर्ची व पेंट जब्त कर लिया गया है। न्यायिक रिमांड जिला न्यायालय पेश किया गया है। अडानी मामले को लेकर घिरी हुई केंद्र की सरकार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक तरफ लगातार संसद में जेपीसी की मांग को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय युवा कांग्रेस सड़क की लड़ाई से लेकर प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड तक की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस के निर्देश पर जय भारत सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नाम 5,000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड भरवा कर प्रधानमंत्री कार्यालय प्रेषित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कांग्रेस की टीम ने प्रेस वार्ता करते हुए पोस्ट कार्ड का विमोचन किया और पोस्ट कार्ड अभियान की जानकारी मीडिया को दी। अडानी ग्रुप के कंपनी में 20,000 करोड़ जो सेल्स की कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए जो बेनामी संपत्ति पैसा है, वो पैसा कहां से आया, वो पैसा किसका है, क्या सरकार को इसकी जानकारी है? यदि सरकार को इसकी जानकारी है तो उसकी जानकारी सदन में सामना चाहती है कि उनके मित्र, क्योंकि
संसद में जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सवाल नहीं पूछ सकते, उनके सवाल पूछने पे उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है और एन कैन प्रकरण उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है। और भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से ये पोस्टकार्ड अभियान हम लोगों ने आज लॉन्च किया है। अडानी जी ने अब तक बीजेपी को कितने करोड़ का फंड दिया ये हम जानना चाहते हैं। और दूसरा, आपके आधिकारिक विदेश दौरे पे। जगदलपुर में बिल्डर की मनमानी सामने आई है। पदमपुर के निवासी आजकल खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इसकी वजह बिल्डर की मनमानी है। ग्रामीण मोहल्ले के बगल से ही बिल्डर्स का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें रिहायशी मकान बनाए जाने हैं, लेकिन उन मकानों में बिजली मुहैया कराने के लिए रिहायशी मोहल्ले के छतों से होकर हाईटेंशन विद्युत तारों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जब प्राइम टीवी की टीम ने ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ग्रामीणों की शिकायत को शत प्रतिशत सही पाया। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसे नामुश्किल कार्य से सुबूत हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि इनको विद्युत कंपनी के नियमानुसार जहाँ पे इनकी जो प्रीमाइसेस है वहाँ तक लाइन ले जाके हमको देना है, मगर ये जो अभी जो गड्ढा करके खंभा लगाया जा रहा है ये जो आवेदक दिए हैं उन्हीं के द्वारा बताया गया है और इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ है न किसी प्रकार का इस्टीमेट स्वीकृत हुआ है, है ना। जो आवेदन आया उसको संबंधित जो अन्य ऊर्जा भूमि लगा हुआ है इस गली से वहाँ से जा रही है प्लॉट, क्या बोलने हाई टेंशन लाइन जा रही है जिसमें से सर्वे हुआ नहीं है। हमने क्या लिखित तौर पे एक ज्ञापन दिया था विद्युत विभाग को, उसमें से ये अपने को जानकारी मिली है मौखिक तौर पे कि कोई सर्वे नहीं हुआ ना कुछ नहीं हुआ, तो भी इन लोग क्या है जो बिल्डर्स हैं अपना हाई टेंशन लाइन यहाँ से गाड़ना शुरू कर दिए। तो इस विषय में हम लोग जब उनको जानकारी दिया गया तो उन लोग बोलते हैं कि अपने को नियम धर्म बता रहे हैं, ये है वो है वो है। बाजू में से उनका खुद का प्लॉट पड़ा है सर लगाने वाले हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं सर, जैसे मान लो ये छोटा सा सकरा गली हो गया मान लो, तो आने जाने में लोगों को तकलीफ होता है। यहाँ पर भी 7-5 लोग का घर तो है ही पहले से ही, तो आने वाला कभी भी यहाँ पर प्लानिंग बनेगा नाली बनेगा, अगर मान लो सर हाई टेंशन वाला तार जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो